गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा, हम ये फाइनल ईयर के लिए मैं लेक्चर ले रही हूँ, तो हम इसमें जो करेंगे, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर ही है क्योंकि अभी तक क्लास भी नहीं हुई थी। तो एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स जो हमारी बुक है वो हमें करनी है, ठीक है? कौन सी बुक करनी है हमें? एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स, ये वाली बुक हमें करनी है। तो बेटा, इस बुक में ना हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेनी है अबाउट एटम, ठीक है? तो क्या होती है एटॉमिक फिजिक्स? एटॉमिक फिजिक्स, इन एटॉमिक फिजिक्स वी कंसीडर एटम। हम एक एटम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेते हैं इन एटॉमिक फिजिक्स वी कंसीडर एटम। एक एटम को कंसीडर करके चलेंगे और इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? क्या होता है एटम? जिसमें क्या होता है? न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन। बेटा, मैं इसको पढ़ाते टाइम मैं मान के चलूंगी जो आपके बेसिक नॉलेज है अबाउट एटम एंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन, जो भी टर्म्स ये हमारी पहले यूज हो चुकी हैं वो मैं मान के चल रही हूँ कि आप सबको पता है, ठीक है? तो एटम क्या होता है, एक बार हम हल्का हल्का डिस्कस भी करेंगे लेकिन डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है? तो हमारे पास क्या होता है? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आप ध्यान से सुनते रहना बेटा, समझ में आएगा आप सबको, ठीक है? तो इन दोनों को क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियॉन्स। ये थोड़ा हम बेसिक कर रहे हैं, ठीक है? न्यूक्लियॉन्स। अच्छा, किसी भी एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एन एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड ए, ये एटम है, या फिर जेड एक्स ए, ऐसे लिख लो, हाँ ठीक है, जेड एक्स ए। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। ए क्या है? मास नंबर। एक्स क्या है? एटम, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। मास नंबर क्या होता है बेटा? मास नंबर आपका क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स जिसके अंदर जितने होते हैं उसे उसका क्या कहते हैं? मास नंबर। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स उसे उसका क्या बोलेंगे? मास नंबर। जो 99.99% मास होता है ना, कम्स फ्रॉम न्यूक्लियस। वो कहां से आता है बेटा? न्यूक्लियस से, ठीक है? ये बात आप लिख लो, एक सेकेंड। 99.99% मास कम्स फ्रॉम न्यूक्लियस। पढ़ा भी होगा, एटम का होल मास इज कंसेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन इज लाइटर देन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन इज लाइटर, लाइटर देन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है भाई? अच्छा, कितना मास होता है? मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के, कितना लेते हैं? 1.67 इंटू 10^-27 किलोग्राम, ये तो पता ही होगा आप सबको, ठीक है? इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10^-31 किलोग्राम, ठीक है? अब हमने पढ़ा कि 99.99% मास कम्स फ्रॉम न्यूक्लियस, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? देयर फॉर मास ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, मतलब इनके कंपैरिजन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? नेग्लिजिबल। तो हम इससे क्या कह सकते हैं?
मास ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस। बेटा जो भी ये बातें बता रही हूँ ये हमारी आगे काम आएंगी, ठीक है, तो इनको आपको दिमाग में रखना है। तो हम इससे क्या कह सकते हैं बेटा, मास ऑफ एटम, पूरे एटम का जो मास होता है वो कहाँ पर रिलाई करता है, न्यूक्लियस पे, मास न्यूक्लियस पे, मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम। देखो मैंने बताया था कैसे एक्स जेड ए से डिनोट करते हैं, तो क्या कैसे करेंगे, हाइड्रोजन उसका बेटा मास नंबर भी वन होता है और उसका एटॉमिक नंबर भी वन होता है, तो यहां से क्या आ गया, जेड की वैल्यू मेरी कितनी है, वन। अब मैंने बताया था ए हमारा मास नंबर है, ए हमारा क्या है, मास नंबर, और मास नंबर क्या है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटोन, ठीक है, तो यहां पर एक ही है तो इसका मतलब प्रोटोन वन है और न्यूट्रॉन क्या है यहां पे, जीरो, ठीक है, न्यूट्रॉन क्या है, जीरो, और इसका मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना है भाई मेरा, वन, ठीक है। अगर मैं लिखूं फोर एच प्लस या एच पॉजिटिव, ठीक है, एच प्लस, जेड इज इक्वल टू वन, ठीक है, एन इज इक्वल टू जीरो, प्रोटोन इज इक्वल टू वन और इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ये पॉजिटिव साइन हमारा यही आता है, अगर नेगेटिव साइन है तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हाँ ठीक है, मैंने शायद पहले एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दिया बेटा, तो हमारा क्या है, इससे क्या पता चल रहा है कि जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इस बात को लिख लो, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब थोड़ा सा ना हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्या पढ़ेंगे बेटा इसमें, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में ना अलग अलग मॉडल्स से पढ़ते हैं, ठीक है, तो पहला जो हम पढ़ेंगे वो बोहर मॉडल ऑफ एटम से पढ़ेंगे, ठीक है, फर्स्ट किसके बारे में पढ़ेंगे, बोहर मॉडल ऑफ एटम, बोहर ने एटम के बारे में क्या क्या बातें बताई वो पढ़ेंगे। बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल, क्या बताएंगे बेटा, बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल, एप्लीकेबल टू वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर एप्लीकेबल है ओनली, ये बात आपको ध्यान रखनी है, बोहर मॉडल किस पर एप्लीकेबल है, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है, अब वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम कौन सा है, हाइड्रोजन लाइक एटम्स, ठीक है ना, तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है, हाइड्रोजन लाइक एटम्स पे, ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसमें हम, हाइड्रोजन लाइक एटम कौन कौन से होते हैं, जैसे हाइड्रोजन ही हो गया, हीलियम, लिथियम टू पॉजिटिव, लिथियम का हमारा क्या होता है, थ्री होता है ना, तो टू पॉजिटिव तो वन रह गया, बेरिलियम हमारे पास कितना होता है, थ्री पॉजिटिव, ठीक है, इस टाइप के, दीज ऑल आर हाइड्रोजन लाइक एटम्स, ये हमारे पास क्या है, दीज ऑल आर हाइड्रोजन लाइक एटम्स, ठीक है बेटा, हमारे पास इसमें पॉजिट्रॉन भी होता है, पॉजिट्रोनियम, म्यूनिक एटम, ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन लाइक एटम से होते हैं, पॉजिट्रॉन के बारे में भी आगे हम पढ़ते हैं,
आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड पहले हमें ये पता चल गया बोहर मॉडल में ये क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम पे एप्लीकेबल है, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम्स पे ये एप्लीकेबल है। तो ये जो एप्लीकेबल है उसके लिए इनकी कुछ अपनी अजम्पशंस हैं कि ये उन अजम्पशंस को मान के चलते हैं, देन ही ये जो मॉडल है वो एप्लीकेबल होता है। तो हमें वो अजम्पशंस करनी है पहले, अजम्पशंस ऑफ बोहर मॉडल क्या होगा बेटा इसमें। फर्स्ट क्या है, बोहर मॉडल सेज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर को अंडरलाइन करना कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट में। अगर तो हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम के लिए कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए कंसीडर कर लेंगे, ये मान लो प्लस जेड ई जिसका न्यूक्लियस हो गया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स हैं ये पढ़ी होंगी ना, के एल एम नंबर ऑफ शेल्स हैं इसके चारों तरफ, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड, ये थर्ड है। इफ देयर इज हाइड्रोजन एटम, क्या लिखोगे, इफ देयर इज हाइड्रोजन एटम देन जेड कितना हो जाएगा, वन। हीलियम एटम हो जाए तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू। लिथियम हो जाए तो जेड की वैल्यू थ्री, ठीक है, जेड की वैल्यू फोर, ऐसे आती चली जाएगी, ये हमारे पास ऐसे, ठीक है। तो ये इसी तरह इस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, ये हमारी फर्स्ट अजम्पशंस है अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल। नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट अजम्पशंस है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व, रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच इट